हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हाई स्टडी मैक्सिमम कैंडिडेट डिमांड्स कर रहे थे कि सर एक वीडियो मैराथन क्लास मिक्स ले लीजिए मिक्स में क्या क्या आप लोगों को करवाना है एक तो हिस्ट्री के जितने भी टॉप क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री होगी आप लोगों की उसके बाद जो पूछी जाएगी आप लोगों की ज्योग्राफी होगी ज्योग्राफी के बाद आती है आप लोगों की इकनॉमिक्स एंड साइंस तो इन चारों को कम्बाइंड करके वन थाउजेंड वन लाइनर हिंदी में आप लोगों के लिए एक मैराथन मेरे द्वारा लाई जा रही है मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे फिर एस एस सी का हो बैंकिंग का हो रेलवे का हो जहाँ पर भी जी के पूछी जाती है बेसिक जी के तो इसमें आप लोगों को बेसिक जी के मोस्ट इंपोर्टेंट देखने को मिलने वाली हैं और सारे के सारे वन लाइनर रहने वाले हैं तो एफ सी वाले कैंडिडेट जरा इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ से आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मेन्स का एग्जाम होगा आप लोगों का तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं वन लाइनर करेंगे तो जो सबसे पहला आता है आप लोगों का भगवान बुद्ध तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी तो ये हुई थी बोधगया में अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी में प्रोवाइड करवा दूंगा वहाँ से जाकर के आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा उस ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इससे पहले हम लोग कौन कौन सी वीडियो कवर कर चुके हैं एक तो वन थाउजेंड के वन लाइनर हिस्ट्री के हम कवर कर चुके हैं उसके बाद वन थाउजेंड हम लोग किसके जो ज्योग्राफी है इसके कवर कर चुके हैं ये दो टॉपिक कवर कर चुके हैं अगर अभी भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने ये दो मैराथन नहीं देखी है वन थाउजेंड की तो उन उनकी जो प्ले लिस्ट की लिंक प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने तो प्ले लिस्ट की लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप लोग हाई स्टडी चैनल सर्च करके भी प्ले लिस्ट में जा सकते हैं एफ सी ए जी थ्री मेन्स की तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद आता है आर्य समाज तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कब की थी तो 1875 में की थी उसके बाद आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कहाँ की थी तो मुंबई में की थी तो मुंबई में, में की थी आर्य तो समाज की स्थापना भाई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उसके बाद आता है पंजाबी भाषा जो होती है आप लोगों की उसकी लिपि कौन सी है तो उसकी लिपि कौन सी गुरुमुखी तो गुरुमुखी उसकी लिपि है किसकी पंजाबी भाषा की उसके बाद आता है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है तो दक्षिणतम किनारा पूछा आप लोगों से तो ये कौन, सा? कौन सा है साउथ में सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है कन्याकुमारी ये मेन लैंड इंडिया का है उसके बाद आता है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है तो अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है तो किस में होता है तो मधुमेह डायबिटीज़ के उपचार में प्रयोग किया जाता है किसका इंसुलिन का इंसुलिन एक हार्मोन है बिहू एक एक डांस है बिहू तो आप लोगों से पूछा बिहू किस राज्य का त्यौहार है तो किसका त्यौहार है तो असम का है एक एक आप लोगों को पूछा जाता है कि अम्बुबाची मेला तो अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है कामख्या टेम्पल पे लगता है कामख्या टेम्पल कहाँ पड़ता है तो ये भी आप लोगों का असम में पड़ता है कामख्या टेम्पल और अम्बुबाची मेला भी उसी टेम्पल में लगता है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है तो विटामिन सी तो विटामिन सी आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूछा जाता है विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है एसकॉर्बिक एसिड ये भी आप लोग याद रखिएगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाता है अगर आप लोगों से पूछा जाए भारत के प्रथम वाइस राय कौन थे तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा कैनिंग तो कैनिंग भी याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे उसके बाद आता है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था तो ये हुआ था चीन में मोस्ट इंपोर्टेंट है कागज का आविष्कार गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था तो सिद्धार्थ आप लोग जानते ही हैं भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है तो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं इस समय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है उसके बाद आता है रतौंदी किस विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंदी और विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनोल ये भी आप लोग याद रखोगे पोंगल एक डांस होता है पोंगल एक किस राज्य का त्यौहार तो है तो ये किसका पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु का है पोंगल गल किसके साथ गल कब कब करोगे जब आप लोग मिलोगे तो मिल यानी इसकी ट्रिक हो जाएगी गल मिल तमिलनाडु उसके बाद आता है गिद्दा और बांगड़ा किस राज्य का है तो ये पंजाब का है टेलीविज़न तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था तो जॉन लोगी बेयर के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था उसके बाद आता है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी तो रजिया सुल्तान थी मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है इल्तुतमिश की बेटी थी किसकी बेटी थी इल्तुतमिश की बेटी थी और रजिया सुल्तान ने कब से कब तक रूल किया है तो 1236 से लेकर के 1236 से लेकर के 40 तक रजिया सुल्तान ने रूल किया है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का मछली किसकी सहायता से सांस लेती है जो आप लोगों की फिश होती है तो किस किस हेल्प से ये सांस लेती है तो गर्लफ्रेडों की सहायता से इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था इनकाब जिंदाबाद का नारा जलियावाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था तो 1919 में हुआ था 13 अप्रैल थी कौन सी 13 अप्रैल 1919 थी और अमृतसर पंजाब के अमृतसर में हुआ था 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी तो किसकी की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की मोस्ट इंपोर्टेंट अब पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी ये भी पूछा जाता है कि किस ईयर में की थी तो 1939 में कब की थी 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी उसके बाद आता है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है तो लाला लाजपत राय को बोला जाता पंजाब केसरी सांडर की हत्या किसने की थी तो भगत सिंह के द्वारा सांडर की हत्या की गई थी 1857 के रिवोल्ट में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था तो मंगल पांडे ने 1857 में अपना बलिदान सबसे पहले दिया था भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछा जाता है आप लोगों से कौन थी तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी एक फैक्ट और आप लोगों को याद रखना है कि 1925 का आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था कहाँ पर हुआ था कानपुर में हुआ था कहाँ पर हुआ था कानपुर में हुआ था इसकी पहली इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट भी कौन थी सरोजिनी नायडू थी तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी तो संतोष यादव थी ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी 1828 सौ में की गई थी कहाँ पर की गई थी कोलकाता में कहाँ पर कोलकाता में की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना भाई राजा राम मोहन राय उसके बाद आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था मूल संकर था वेदों की और लोटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था वेदों की ओर लोटो रामकृष्णन मिशन की स्थापना किसने की थी तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी और कब की गई थी 1897 में की गई थी और कहाँ की गई थी कोलकाता में कहाँ की गई थी कोलकाता में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भाई स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण जी कौन थे तो ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे लेकिन इनकी स्पीच भी आप लोग को याद रखनी एटीन की स्पीच थी शिकागो की कहाँ की शिकागो में एक फेमस स्पीच दी थी भाई स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा वास्को डिगामा भारत कब आया था तो 1498 को कब आया था चौदह में वास्को डिगामा भारत आया था और किसकी सहायता से अब्दुल मनीद अब्दुल मनीद की सहायता से ये कालीकट पहुंचा था कहाँ पहुंचा था कालीकट पहुंचा था और कैप ऑफ गुड़ होप कैप ऑफ गुड़ होप जो आप लोगों का साउथ अफ्रीका है उसी के नीचे पड़ता है एक कैप ऑफ गुड़ होप वो रास्ता था अब्दुल मनीद की सहायता से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था और इसका जो वेलकम है वो किसने किया था वहाँ का लोकल रूलर था जमोरिन जमोरिन भी आप लोग याद रखना लोकल रूरल कहाँ का था जमोरिन तो जमोरिन ने जम के वेलकम किया था वास्को डिगामा का जो पुर्तगाल का था 1498 में आया था और अब्दुल मनीद की हेल्प से ऑफ गुड होप के रास्ते कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था तो इतने फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था पुर्तगाल का था हवा महल कहाँ स्थित है तो ये जयपुर में स्थित है हवा महल उसके बाद आता थर्टी फोर सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है तो गुरु नानक देव जी को माना जाता है सिख धर्म का फाउंडर सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता था? तो बैसाखी तो उस दिन बैसे का बैसाखी का ही त्यौहार था जब आप लोगों का जलियावाला बाग कांड तेरह अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था पंजाब के लौह पुरुष तो लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है तो सरदार पटेल जी को बोला जाता है लौह पुरुष जिन्होंने हमारी रियासतें थी कितनी रियासतें थी पाँच सौ तिरसठ रियासतें थी इनको क्या एकीकरण किया था विद्यालय कृष्णन मैनन मैनन का भी आप लोग याद रखिएगा कृष्णन मैनन उसके बाद आप लोगों से पूछा है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है नेताजी इनको किसने बोला था तो अडोल्फ हिटलर किसने बोला था अडोल्फ हिटलर के द्वारा ही सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि दी गई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने आई के दो सेशन की प्रेसिडेंसी की है किस, किस की एक तो 1938 वाला और एक 1939 वाला यहीं पर इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी फॉरवर्ड ब्लॉक उसके बाद आता है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है तो विजय घाट है क्या नाम है विजय घाट है महाभारत के रचयिता कौन है तो महर्षि वेद व्यास को बोला जाता है महाभारत की रचयता अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके लिखी थी तो चाणक्य के, के द्वारा लिखी गई है अर्थशास्त्र मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी तो चाणक्य चाणक्य को कोटिल्य भी बोलते हैं जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था तो ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मोस्ट इंपोर्टेंट है भारत के पहले प्रेसिडेंट थे कौन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता तो आठ आठ मई को मनाया जाता विश्व रेड क्रॉस दिवस सूर्योदय का देश किस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है तो जापान को बोला जाता है सूर्योदय का देश जापान में चार आइलैंड है होकाइडो होंशु क्योशु और सिकोकू आप लोग को पता होना चाहिए मेनली जापान में कितने आइलैंड है चार होकाइडो होंशु क्योशु और शिकोकू उसके बाद नेक्स्ट आता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो आठ मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो गोवा है सबसे बड़ा राज्य तो कुछ आप लोगों का राजस्थान हो जाएगा ओणम ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है तो ये तो तो केरल का प्रसिद्ध त्यौहार तो है ओणम उसके बाद आता है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी तो 1911 में अनाउंस हुई थी और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी जब आप लोगों का दिल्ली दरबार लगा था सबसे चमकीला ग्रह किसको बोला जाता है तो शुक्र जो है आप लोगों का विनय से सबसे चमकीला ग्रह है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा बाघ है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है तो मोर है उसके बाद आता है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है तो गंगा डोल्फिन है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है तो आम है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है तो कमल है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है तो बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा तो हॉकी है भारत का राष्ट्रीय फूड पूछा जाए तो आप लोगों का जलेबी हो जाएगा वो भी आप लोग याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो तीन अनुपात दो होता है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था भारत का राष्ट्रगान साथ ही साथ इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है उसके बाद इनको पहले एशियाई पहले इंडियन जिनको क्या मिला था नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में मिला था किसके लिए मिला था गीतांजलि के लिए मिला था कब मिला था 1912 में मिला था ये भी आप लोग याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा तो वंदे मातरम वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था तो ये क्या था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था किसको महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता और सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी किसने कहा था तो ये क्या था अडोल्फ हिटलर ने हमारा राष्ट्रीय पांचांग कौन सा है तो सक संत को बोला जाता है राष्ट्रीय गान गाने की जो अवधि है वो कितनी बावन सेकेंड है मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है उसके बाद आता है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी तो हेनरी बैकरल के द्वारा की गई थी मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से तो हार्ट से तो हार्ट से रिलेटेड है मेकर मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा तो हीरा है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था तो रोंटजन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था उसके बाद नेक्स्ट आता है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था तांबे का किया गया था मोस्ट इंपोर्टेंट है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है तो जो अंतरिक्ष होते हैं जो अंतरिक्ष में जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं तो उनको जो आकाश है वो किस कैसे कलर का दिखाई देता है तो ब्लैक दूरबीन का आविष्कार किसने किया था तो गली के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि का नाम क्या है तो राजघाट बोलते हैं उसको भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी ईयर था आप लोगों का अट्ठारह सौ तिरपन का और ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी मुंबई से थाने के बीच चली थी पहली ट्रेन और टाइम पीरियड किसका था डलोजी का तो फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसको बोला जाता है डलोजी को बोला जाता है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी तो पहली बार कोलकाता में चलाई गई थी उसके बाद भारत में रेल का आरंभ किस ईयर में हुआ था तो अट्ठारह में हुआ था भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी थे और ये कब गए थे अंतरिक्ष में नाइनटीन एट्टी फोर में गए थे ये भी आप लोगों से पूछा जाता है उसके बाद नेक्स्ट आता है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो श्रीमती सुचेता कृपलानी कौन थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी गवर्नर पूछे तो सरोजनी नायडू हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले सीएम थे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है न्यूयॉर्क में है जितने भी इसके ऑर्गन है सारे के सारों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है सिर्फ एक ऑर्गन है जिसका आई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर आप लोगों को नीदरलैंड के द देग शहर में मिलेगा कौन सा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भारत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलते हैं इसको इसका हेडक्वाटर नीदरलैंड शहर में जो कैपिटल है इसकी द हैग में मिलेगा नीदरलैंड के शहर है हैग में और बाकी जितने भी यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन है सबका हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यूयॉर्क में मिलेगा न्यूयॉर्क किस रिवर पर बसा हुआ है यह आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे तो त्रिंगवेली थे उसके बाद आता है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं तो वन नाइन्टी थर्ड हैं संयुक्त राष्ट्र संघ परिसर में कितने परमा नॉन परमानेंट पंद्रह होते हैं जिनका जो टेन्यर होता है दो साल का होता है और परमानेंट मेंबर आप लोगों के पाँच होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर अभी 2023 में कौन बने हैं ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों से पूछा जाएगा ये आप लोगों का क्वेश्चन जो एफ मैनेजर का एग्जाम होता है मेन्स का उसमें पूछा गया था नॉन परमानेंट मेंबर 2023 में एक जनवरी 2023 से कौन बने हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ द हैग शहर है हॉलैंड का जिसको नीदरलैंड भी बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है तो वर्तमान की बात करें तो ये कौन है अंतोनी करंट में आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इस समय यूनाइटेड नेशन के वर्तमान में महासचिव कौन है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है जो अस्थाई मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन के अस्थायी मेंबर जो होते हैं उनका कार्यकाल मैं बता चुका हूँ दो वर्ष का होता है संयुक्त राष्ट्र का वन नाइन्टी थर्ड मेंबर कौन था तो साउथ सूडान था कौन सा साउथ सूडान दक्षिण सूडान किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है तो विटामिन के की वजह से हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो फोर्टीन ऑफ सेप्टेम्बर को मनाया जाता है आप लोगों का हिंदी दिवस संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था तो आर्टिकल थ्री फोर्टी थ्री ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे तो अभिनव बिंद्रा थे यार आप लोगों का दो था चाइना के बीजिंग शहर में ये ओलंपिक हुए थे ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता तो चार वर्ष के बाद होता है वर्ल्ड कप जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है इसका आयोजन भी चार साल बाद होता है लेकिन जो टी जो आप लोगों का टी वाला वर्ल्ड कप होता है उसका आयोजन दो साल बाद होता है ये आप लोग याद रखिएगा 2016 में कहाँ पर हुए थे रियो डी जेनेरियो में हुए थे 2020 में टोक्यो ओलंपिक में हुए थे और 2024 में आप लोगों के पेरिस में होने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है तो मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है ये फेमस है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित तो है गुड़गांव में हरियाणा में गुड़गांव में किसका हेडक्वाटर है आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वाटर कहाँ पर लेगा आप लोगों का गुड़गांव में विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी तो राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन दो तीन हरियाणा से रिलेटेड थे हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर तो चवालीस दो सौ बारह है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हम लोग देख चुके हैं भगवत दयाल शर्मा जी किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है तो कौन सी ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा देशों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है तो यह चाइना उसके बाद नेक्स्ट आता है <स्थाथ> बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किसको इंडिकेट करता है तो मीन्स तो आप लोगों का आंधिया तूफान को इंडिकेट करता है जब तेजी से गिरावट होती है भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है तो थार है और थार को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं चोलिस्तान चोलिस्तान ये भी आप लोग याद रखना थार को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं थार का वो पार्ट जो पाकिस्तान में चोलिस्तान काजीरंगा राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में तो असम में है अब पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा तो शिप्रा रिवर के बेस पर बसा हुआ आप लोगों का उज्जैन निम्न में से किस धातु बिजली की सबसे अधिक अच्छी तो वो चांदी होती है सिल्वर होती है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है तो मीथेन पाई जाती है स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा तो ये किसने बोला था तो ये बोला था लोकमान्य तिलक जी ने उसके बाद आता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है तो छः वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव उसके बाद नेक्स्ट आता है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है एक सौ तेरह नंबर का क्वेश्चन है तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है तो ये होती है आप लोगों की देवनागरी कौन सी लिपि देवनागरी हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है तो दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे बोलते हैं जो हमारी आकाश गंगा है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था उद्दंत मारतंड था ये अर्था आप लोगों का एटीन ट्वेंटी सिक्स अट्ठारह सौ छब्बीस और जुगल किशोर के द्वारा इसको संपादित किया गया था तुलसी द्वार तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस हिंदी भाषा की किस भाषा में लिखी गई है या आप लोगों का एफसे में पूछा गया था तो अवधि भाषा में लिखी गई है हरियाणा के कवि कौन कहलाते तो उदय भानु हंस को बोला जाता है हरियाणा के राजकवि। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी तो एथेंस में हुई थी किस ईयर में हुई थी एटीन में हुई थी भारत ने किस खेल में ओलंपिक में आठ बार गोल्ड मेडल जीता तो हॉकी में जीता था पहली बार आप लोगों से पूछा जाता है कि हॉकी में पहली बार इंडिया ने कब जीता तो 1928 में जीता था भारत ने आखिरी बार हॉकी में गोल्ड मेडल कब जीता था तो 1980 में जीता था मॉस्को में जीता था रूस में उसके बाद आता है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता।, होता है चार वर्ष बाद होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो लोशन शहर है स्विट्जरलैंड का सन 2012 में ओलंपिक कहाँ हुए थे तो लंदन में हुए थे 2016 में कहाँ होते थे ये आप लोगों के रियो डी जनेरियो में होते ओलंपिक दवज में कितने गोले होते तो पाँच होते हैं और ये कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है तो माइकल फेल्प्स ऑस्ट्रेलिया यू एस के सन 2020 में ओलंपिक कहाँ होंगे तो आप लोग जानते हैं टोक्यो में हुए थे लॉकडाउन के कारण ये एक साल पोस्टपोन कर दिए गए थे सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है तो साइना नेहवाल किस से रिलेटेड है बैडमिंटन मोस्ट इंपोर्टेंट है साइना नेहवाल उसके बाद आप लोगों से पूछा है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार कब भाग लिया था तो उन्नीस में लिया था ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी तो कर्नम मलेश्वरी थी ब्लैक टू वेदाज यानी कि बैक टू वेदाज का नारा किसके द्वारा दिया गया था तो मह दयानंद जी के द्वारा दिया गया था प्रसिद्ध झंडा गीत जंडा ऊंचा रहे हमारा ये किसने लिखा है तो श्याम लाल गुप्ता मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाएगा आपसे ये वालों पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से कारण होती है तो ये होती है कैल्शियम की वजह से मिल्क फीवर बीमारी मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है तो गुर्दे किडनी किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार मिला तो अमृत सेन को नाइनटीन में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां किस वाद्य यंत्र में विख्यात रहे तो शहनाई में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो हो जाएगा आप लोगों का चक्रवर्ती राजगोपालचार्य अगर पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले वायसराय पूछा जाए तो कैनिंग भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है तो ये किया गया है रूस के रसिया के सहयोग से उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है हिमादरी विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी तो जापान की थी झुमको तबई ईयर कौन सा था आप लोगों का 1853 था जुम्को तबई उसके बाद आता है नेक्स्ट पीलिया किस अंग का रोग है तो यकृत या फिर लीवर का है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब प्रेरित करता है तो यह कथन किसका है तो ये किससे रिलेटेड है ये पास्कल के लो से रिलेटेड है दर्व हरेक डायरेक्शन में समान प्रेशर को एग्जट करता है लगाता है क्लोरोफिल का का खनिज का घटक क्या है तो क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है मैग्नीशियम में पूछा जाता है एल में क्या होता है ब्यूटेन होता है सिगरेट लाइटर में क्या होता है उसमें भी ब्यूटेन होती है बाकी गोबर गैस में मेथेन होती है आप लोग जानते हैं किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसेप मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था तो वो ये थे उपगुप्त पूछा जाता है अशोक के गुरु का नाम क्या था उपगुप्त कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था पढ़ा लिखा नहीं था तो ये थे अकबर थे अकबर ने कब से कब तक रूल किया है पंद्रह से लेकर के सोलह तक अकबर ने रूल किया है अगर आप लोगों से पूछा जाए किस मुग़ल रूलर ने सबसे लंबे टाइम तक रूल किया है तो जाएगा औरंगजेब सोलह से लेकर के सत्रह तक अमृत शहर की स्थापना किसने की थी तो गुरु रामदास जी ने की थी अमृत शहर में जो आप लोगों का एयरपोर्ट है उसका नाम भी गुरु रामदास जी के नाम पर ही रखा गया है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे तो लाला हरदयाल थे ईयर कौन सा था नाइनटीन थर्टी सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने स्टार्ट की थी तो गुरु अंगदेव ने स्टार्ट की थी लंगर प्रथा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो रिंग वेद है टोटल चार वेद हैं और सबसे प्राचीन कौन सा इनमें रिंग वेद है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी एफ का क्वेश्चन है तो किसने मोहम्मद बिन तुगलक ने मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी तो 1951 से लेकर के 56 तक थी उसके बाद सेकंड हो जाएगी 56 से लेकर के 61 तक और उसके बाद 61 से लेकर के 66 तक हो जाएगी फिर तीन साल में एक एक ईयर की आएंगे जिनको गैप बोलते हैं एक एक साल वाला उसके बाद आता है चीनी यात्री हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था तो नालंदा में आया था हर्षवर्धन के टाइम पर आया था ये भी आप लोग याद रखना हिंसांग किसके टाइम पीरियड में आया था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता तो ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव और एबी पॉजिटिव याद रखना ओ नेगेटिव एंड एबी पॉजिटिव ये तो रक्त सर्वदाता होता है और ये सर्वग्राही होता है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है तो दो सौ छह होती हैं सूर्य के प्रकाश से कौन सा वाइटामिन प्राप्त होता है तो विटामिन डी जिसका केमिकल नेम होता है कैलसी फिर मादा एनिफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है तो मलेरिया होता है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था प्रकाश की गति कितनी होती है तो ये होती है आप लोगों की इकाई दहाई सैकड़ों हज़ार दस हज़ार तीन लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है किसकी प्रकाश की गति उसके बाद आता है आप लोगों का पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया था कोपर निकस ने बताया था प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है तो यह खगोलीय दूरी से संबंधित है प्रकाश वर्ष लाइट ईयर स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर चार मीनार कहाँ पर है तो हैदराबाद में चार मीनार कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाई गई थी चार मीनार और ये प्लेग को डिनोट करती है मोस्ट इंपोर्टेंट है प्लेग कुतुब मीनार कहाँ स्थित है दिल्ली में स्थित है गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है मुंबई में स्थित है इंडिया गेट कहाँ स्थित है दिल्ली में स्थित है ताजमहल कहाँ पर आप लोगों का आगरा में है आज़ाद हिंद फौज आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी तो सिंगापुर में की गई थी शिक्षक दिवस कहाँ मनाया जाता है तो पाँच सेप्टेम्बर को मनाया जाता है खेल दिवस कब मनाया जाता है तो ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अगस्त को मनाया जाता है किसके दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता, तो मना जाता है और इनका जन्म कहाँ हुआ था तो यूपी में हुआ था ये भी आप लोग याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो पांच जून को मनाया जाता है करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था एट अगस्त नाइनटीन फोर्टी टू को जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था कहाँ से ग्वालियर टैंक महाराष्ट्र से जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था तो ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही दिया गया था दिल्ली चलो का नारा वन सेवेंटी फाइव उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आता है हमारा वेदों की ओर लोटो तो वेदों की ओर लोटो किसके द्वारा दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद जी का नारा किसके दिया गया था महान भगत सिंह के द्वारा द ग्रेट भगत सिंह किस दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये किसने बोला था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बोला गया था आराम हराम है तो ये बोला गया था पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था मारो फिरंगी को तो ये किसने बोला था तो मंगल पांडे जी ने बोला था सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा बोला गया था जिनको फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है भारत का नेपोलियन सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक के द्वारा किया गया था तो राजा राम मोहन राय के द्वारा याद रखिएगा अट्ठारह में इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी उसके बाद आप लोगों से पूछा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी 1897 में की गई थी कोलकाता में की गई थी महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता 1869 में इनका जन्म हुआ था महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था तो मोहनदास करमचंद गांधी जी था इनका पूरा नाम महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी तो रविन्द्र नाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई थी महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक लेखक कौन है तो महात्मा गांधी जी इसके लेखक हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है तो भारत रत्न होता है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है तो दादा साहब फालके पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट है फिल्म के क्षेत्र में ये सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का नाम बताए तो परमवीर चक्र होता है पहले नंबर पर परमवीर आता है फिर महावीर आता है फिर आता है वीर चक्र तो तीनों आप लोग याद रख लेना परमवीर चक्र सबसे हाईएस्ट होता है फिर फिर आता है आप लोगों का महावीर चक्र देन आता है आप लोगों का वीर चक्र उसके बाद आप लोगों से पूछा भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो कालिदास को बोला जाता है भारत का शेक्सपियर कंप्यूटर का पिता किसको बोला जाता है तो चार्ल्स बेवेज को बोलते हैं कंप्यूटर का पिता अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे तो यूरी गागरिन थे और किस कंट्री के थे रूस के थे चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे तो नील आर्म थे आप लोगों से ईयर भी पूछा जा सकता है नाइनटीन सिक्सटी नाइन था ये भी पूछा जा सकता है किससे थे यूएसए के थे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे तो राकेश शर्मा जी थे रूस की सहायता से पहुंचे थे नाइनटीन में गए थे प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था और इसे कब छोड़ा गया था तो आप लोगों को याद रखना भारत के पहले सैटेलाइट का नाम क्या था तो आर्यभट्ट था कब छोड़ा गया था तो 1975 में यह सैटेलाइट छोड़ा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है तो अंतोनिय कौन है करंट में ये बान की मुन इससे पहले थे उसके बाद आप लोगों से पूछा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तथिति को मनाया तो मना जाता है तो आठ मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घेंगा रोग किसकी कमी से होता है तो आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय या पेनक्रियाज डूर कप किससे संबंधित है तो फुटबॉल से संबंधित है डूर कप भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है भारत का सबसे लंबा बांध पूछे तो हीराकुंड बांध हो जाएगा भारत का सबसे लंबा बांध जो महानदी पर है संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई तो ट्वेंटी टू है चीन की मुद्रा युआन है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे तो हेनरी डोनाल्ड को बोला जाता है रेड क्रॉस के संस्थापक उसके बाद आता है आप लोगों का हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा तो अनिमिया इनोमिया ये होता है आप लोगों का हीमोग्लोबिन की कमी से होता है भारत की कोकिला कौन कहलाती है तो सरोजनी नायडू कहलाती है भारत की कोकिलिया आईएनसी का 1925 का कानपुर का जो सेशन हुआ था उसकी प्रेसिडेंसी किसके द्वारा की गई थी सरोजनी नायडू के द्वारा की गई थी दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी तो कुतुब्दीन ऐबक ने बनवाई थी 1206 से लेकर के 1210 तक कतुतुब्दीन ऐबक ने रूल किया था सलेब डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी के फाउंडर थे कुतुब्दीन ऐबक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है तो चाणक्य जिनको कौटिल्य भी बोलते हैं विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित हो कन्याकुमारी में स्थित है विवेकानंद स्मारक दक्षस या बोलते हैं सार्क तो सार्क का हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछा है तो ये पड़ता है काठमांडू नेपाल में सार्क में कितनी कंट्री तो आठ कंट्री है कौन कौन सी कंट्री है ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है एक बात आप लोग याद रख लेना सार्क में कौन कौन सी कंट्री है तो भारत है नेपाल है बांग्लादेश श्रीलंका मालदीव भूटान पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आप लोगों से पूछा जाता है क्या सार्क में म्यांमार है तो नहीं है बिम्स्टैक जो होता है आप लोगों का बिम्स्टैक बिम्स्टैक में आप लोगों की म्यांमार कंट्री है लेकिन यहाँ पर आप लोगों की म्यांमार कंट्री है लेकिन सार्क में आप लोगों की म्यांमार नहीं है भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी तो सेवन फाइव वन सिक्स है विश्व में माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस कंट्री में होता है तो भारत में होता है ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया था तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है तो बेरी बेरी तो बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है विटामिन सी की कमी से कौन सा तो स्कर्वी होता है उसके बाद आप लोगों से पूछा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है तो स्कर्वी होता है मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है फिर एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का दूध में कौन सा वाइटामिन नहीं होता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है दूध में विटामिन सी नहीं होता है और आयरन भी नहीं होता है दोनों चीज़ याद रखनी है पूछी जाती है कि दूध में क्या क्या नहीं होता है दूध को एक अच्छी डाइट माना जाता है लेकिन ना तो इसके अंदर विटामिन सी होता है और ना ही इसके अंदर आयरन होता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है तो रिकेटस होता है उसके बाद आता है आप लोगों का नेक्स्ट किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है तो विटामिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका केमिकल नेम आप लोग मुझे कमेंट करके बताना विटामिन ए e की कमी से कौन सा रोग होता है तो बांझपन हो जाता है विटामिन ए e की कमी से विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है तो एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को केमिकल नेम फैट सोलेबल विटामिन कौन कौन से होते हैं तो ए ई e, आप लोगों को याद रखना एडेक एक वर्ड आता है आप लोगों का ए डी ई के ये जो चार विटामिन होते हैं आप लोगों के ये फैट सोलेबल होते हैं बी और सी आप लोगों के वाटर सोलेबल होते हैं साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है तो एन ए सी एल सोडियम क्लोराइड बोलते हैं साधारण नमक को हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है तो नाइट्रस ऑक्साइड एन टू ओ धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है तो सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं धावन सोडा को पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है तो तांबा और जस्ते का मिश्रण है आप लोगों की पीतल कैल्सी किस विटामिन का रासायनिक नाम है तो विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सी फेरोल नेत्र दान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है तो कोर्निया को दान किया जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट पाया जाता है और इसका जो केमिकल नेम होता है साइनो कोबाल मीन क्या होता है साइनो कोबाल मीन साइनो कोबाल मीन इसका केमिकल नेम होता है उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है तो माइट्रोकांड्रिया को बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है जो आप लोगों की आर होती है इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा में होता है या फिर बोन मैरो में होता है आर का फॉर्मेशन उसके बाद आता है आप लोगों का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो इस्फिगमो तो इस्फिगमो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है आप लोगों का बीपी ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए उसके बाद आप लोगों से पूछा है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है तो ये होती है रोम रीड ओनली मेमोरी आप लोगों की परमानेंट मेमोरी होती है और जो आर एम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी आप लोगों की नॉन परमानेंट मेमोरी होती है उसके बाद आता है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था तो उन्नीस सौ ये उन्नीस सौ सात का था और सूरत का अधिवेशन था किसका सूरत का अधिवेशन था इसको सूरत स्प्लिट इस भी बोलते हैं नाइनटीन जीरो सेवन में हुई थी है. उसके बाद आप लोगों से पूछा है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था तो राजा राजा प्रथम चोल के द्वारा बनवाया गया था मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था अमरकोट के दुर्ग में हुआ था किसका मुगल सम्राट अकबर का जन्म जो अनपढ़ थे वर्ष 2014 का फुटबॉल का फीफा किस कहाँ पर आयोजित किया गया था ब्राजील में आयोजित किया गया था उसके बाद वर्ष 2018 दो का फीफा किस देश में आयोजित किया गया था तो रूस में आयोजित किया गया था 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे तो ग्लास्को में हुए थे 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था तो न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकते तो लोकसभा स्पीकर करते हैं भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे तो ये थे गणेश वासुदेव मावलांकर थे जी वी मावलंकर बोलते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया तो आर्टिकल थ्री जो आप लोगों का अबोलिश किया जा चुका है उसके बाद आता है कौन कोई धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन लेता है तो लोकसभा स्पीकर लेते हैं इस समय ओम बिरला जी हैं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है तो तो मूसी नदी पर बसा हुआ है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा मेक्सिको है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है तो वेटिकन सिटी है स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है तो भूमध्य सागर एंड लाल सागर को उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है तो भूमध्य सागर एंड लाल सागर को जोड़ती है आप लोगों की स्वेज नहर पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है तो प्रशांत महासागर एंड उत्तरी अटलांटिक ओशियन को जोड़ती है आप लोगों की पनामा कैलान मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत के संघीय क्षेत्र दादर एंड नागर हवेली की राजधानी क्या तो सिलवासा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो राजस्थान है एरिया के अकॉर्डिंग और गोवा एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो बाईस अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस अगर पूछे आप लोगों का वाटर तो जल दिवस कब मनाया जाता है आप लोगों का बाईस मार्च को मनाया जाता है फूलों की घाटी किस राज्य में मोस्ट इंपोर्टेंट है वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में पड़ती है वर्ष 2011 में नव निर्मित राष्ट्र साउथ सूडान की कैपिटल क्या है आप लोगों की जुबा मोस्ट इंपोर्टेंट है साउथ सूडान की कैपिटल जुबा है उसके बाद आप लोगों से पूछा है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो प्रधानमंत्री जी योजना प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष होते हैं आइन अकबरी के लेखक कौन है तो अबुल फजल है होप मैन कप किस खेल से संबंधित है टेनिस से रिलेटेड है होप मैन कप उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा तो वेटिकन सिटी है स्विज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है तो भूमध्य सागर एंड रेड सी को जोड़ती है कौन सी स्विज कैनाल उसके बाद आता है पनामा नहर पनामा कैनाल किन दो महासागरों को जोड़ती है तो प्रशांत महासागर एंड उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा कैनाल भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी तो सिलवासा है मोस्ट इंपोर्टेंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो राजस्थान है सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो गोवा हो जाएगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो बाईस अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस अगर पूछा जाए जल दिवस जल दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है आप लोगों का बाईस मार्च को मोस्ट इंपोर्टेंट है जल दिवस भी पूछा जाता है फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर कहाँ स्थित है उत्तराखंड में स्थित है वर्ष 2011 हज़ार ग्यारह में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है तो जोबा है योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधानमंत्री जी होते हैं आईने अकबरी के लेखक कौन है तो अबुल फजल अबुल फजल है आईने अकबरी के लेखक होप मैन कप किस खेल से संबंधित है तो टेनिस से संबंधित है देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं तो चित्रंजन दास जाने जाते हैं देश बंधु के नाम से अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ है? तो होती हैं तो ट्वेंटी फोर होती हैं भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी तो राजा हरीश्चंद्र भारत में सबसे पहली फिल्म थी सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है तो स्टेपीज होती है और ये कान की हड्डी है स्टेपीज एक कान की हड्डी है।, है जो सबसे छोटी हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है तो फीमर होती है जो एक झांग जांग की हड्डी है मानव शरीर में कितनी मसल्स होती हैं कितनी पेशियाँ होती है छः होती हैं है। आर का जीवन काल कितना होता है तो एक दिन होता है आर का जीवन काल जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते कॉपर की एक जस्ता जो जिंक होता है कॉपर नहीं जिंक होता है जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं तो जस्तीकरण कहते हैं क्या कहते हैं जस्तीकरण या फिर गैलवेनाइजेशन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है तो, तो लीवर होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भारत का प्रथम तेल संशोधन कार्य कारखाना जो संयंत्र था प्लांट था कहाँ पर लगाया गया था तो असम के डिगबोई में लगाया गया था भारत की पहली रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग अवार्ड हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था तो कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था तो नाइनटीन में लाहौर के सेशन में उसके बाद आप लोगों से पूछा है श्वेत रिवोल्यूशन जो व्हाइट रिवोल्यूशन होता है वो किससे संबंधित है तो मिल्क से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था 1970 में डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन ये भी याद रखिएगा भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है तो फेरी क्वीन है भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी तो चीनी आक्रमण के टाइम पर की गई थी 26 अक्टूबर 1962 में भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है तो आंध्र प्रदेश है भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था तो मोहम्मद बिन तुगलक था अरब से था यह और सात में भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किया गया था सैलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था तो मैगस्थनीज था जो सेलुकस का राजदूत था श्रीलंका का पुराना नाम क्या है सिलोन आगे के जितने भी 284 के क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे अभी थोड़ा सा शोर हो रहा है तो इस वजह से मैं आप लोगों की आगे की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूं जिससे आप लोगों का डिस्टरबेंस रहेगा टोटल 1000 क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को एक और पार्ट ले आऊंगा उस पार्ट में हम लोग सारे के सारे वन कर लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वन थाउजेंड होने वाले हैं अगर आप लोगों को इसकी पी चाहिए तो पी मैं आप में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू